सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ उनके इलाके में चल पड़ा है, जो कि वो जगह बहुत ही सुंदर है। अब वो तीनों गाना गाते हुए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ के जानवर सिम्बा को देख के डर जाते हैं और वो कहते हैं, तुम एक शेर के बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो। वो बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। सिम्बा को देख के सभी जानवर बहुत ही डरे हुए थे। सिम्बा कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मैं एक पूरा का पूरा हिरन खा सकता हूँ। तब पुम्बा और टिमोन उसे कहते हैं, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे तरीके का खाना खाना होगा। फिर वो थोड़ा आगे चले जाते हैं। फिर वो एक पुराने लकड़ी के पास चले जाते हैं, जिसको वो तोड़ देते हैं। उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, जिसको सभी जानवर खाने लगते हैं। अब टिमोन सिम्बा को भी कीड़े खाने के लिए देता है, जिसको सिम्बा खा लेता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और सिम्बा भी बड़ा हो चुका है, और अभी भी वो तीनों साथ रहते हैं। अब हमें दूसरी तरफ सिम्बा का घर यानी कि गौरव भूमि दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे स्कार का राज है, इसीलिए लकड़बगे खुलेआम शिकार कर सकते हैं।